मैं इसको हमेशा सुनाता हूँ कि जब प्रॉफिट साहब ने लास्ट मैसेज दिया तो उन्होंने उसमें कहा कि मैं अब इसके बाद आपके पास नहीं आऊँगा, तो उसमें एक बात कही थी उन्होंने कि अरब से नॉन अरब सुपीरियर नहीं है, सफ़ेद से काला आदमी बड़ा नहीं है। तो ये तो समझ आ गई कि अरब से उन्होंने बताया है अरविंद को कि क्या क्या मॉडरेशन होती है, क्या सबको बराबर समझना है। अरब में इस वक्त स्लेवरी थी, स्लेव्स काले होते थे। जब मौला जब हजरत साहब ये कह रहे हैं कि अरब से नॉन अरब बड़े नहीं थे, वो बता रहे हैं मूर्ख है कह तुम अपने आप को सबसे नहीं बराबरी करो। और जब वो ये कह रहे हैं कि काले से सफ़ेद बड़ा नहीं, तो कितनी बड़ी इक्वालिटी का वो मैसेज दे रहे हैं। आज हम यूएसए को मानते हैं कि उन्होंने ओबामा बदल दिया तो हम समझते हैं वहाँ लड़ाई लड़ी वहाँ कुछ हुआ, मगर उनका मैसेज बराबरी का जो मैसेज था वो उस वक़्त यहाँ तक फैला हुआ था 600 सदी में कि स्लेव से वो नहीं है, काले से वो ज़्यादा नहीं है। यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो यूएन छपाता है 2011 में, उसमें उसने लिखा कि ये कहना कि टॉलरेंस एक कोई वेस्ट का नोशन है, मगरब का नोशन है, मशरक नहीं या किसी और जगह नहीं, इससे भी खुदा बात नहीं हो सकती। और उसने एग्जांपल दिए तीन, पहले उसने अशोका का जिक्र करा कि उसने कैसे बराबरी का सलूक दिया, फिर उसने बादशाह अकबर का जिक्र दिया तो उन्होंने भी कहा सबको योर रिलीजन, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं गुस्ताखी न कर तो मैं गलत तो नहीं कोट रहा कि मेरे ख्याल में प्रॉफिट साहब ने कहा था टू यू योर रिलीजन टू मी माई रिलीजन। उसके बाद उसने एग्जाम्पल दी कि जब 12th सेंचुरी में क्रूसेड्स हो रहे थे, जब यूरोप इन्वेड कर रहा था अरब के ऊपर, बहुत खूंखार लड़ाई हो रही थी। अब जानते हैं कि अरब की तरफ से सलाहुद्दीन एम्परर सलाहुद्दीन उसका मुकाबला कर रहे थे क्रूसेड्स का, तो एक जू था यहूदी, वो खुलेआम सोचता था कुछ, तो उसको यहूदियों ने निकाल दिया और उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, पनाह के लिए वो भाग रहा था हर जगह। अब जानते हैं उसको पनाह कहाँ मिली, सलाहुद्दीन के एम्पायर। ये एक कंटिन्यूस रोल है इस्लाम का बराबरी का। मैं तो मानता हूँ कि भाई ये तो सब जानते हैं कि द राइट्स ऑफ वुमेन पहली जो मिसाल दी वो प्रॉफिट साहब के वक्त में, क्रिश्चियनिटी हिंदुज़म बहुत पीछे, औरत का जितना रुतबा इस्लाम में आया कहीं नहीं आया। पहली दफ़ा उसको हक दिया गया, हर किस्म का हक दिए गए, बराबर दिए गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा ये हम सोसाइटी में बैठ के सोचते हैं कि नहीं आदमी बड़ा था, जो औरत की जगह है वो पीछे ही है, घूंघट में है, घर में बाहर नहीं जा सकते। तो ये बराबरी का सिलसिला सेक्स में यूनिट विद ए स्लेव एंड अदर्स, ये एक दिन है इस्लाम की, इस मुल्क हर जगह ये बसते हैं।